मैं भी द्वारका में था, सो अभी समटाइम्स वी गो फॉर स्कूल प्रोग्राम. तो स्कूल प्रोग्राम वहाँ पर एक टीचर थी, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मैम थी, और वो ही 45 उम्र की है, वो बूढ़ी हो चुकी है. मैं 45 उम्र का, मैं बूढ़ा हूँ. और बुढ़िया को बूढ़ा पसंद आ गया, तो बात करने लगी. कहते हैं देखिए आपसे ना एक दिल की बात करनी है मेरे को. दिल की बात ही बहुत खतरनाक होती है, दिल की बात. कहा हाँ जी बताइए, दिल की बात क्या है आपकी, दिल की बात. मुझको लगता है कि ना आपका मेरा पिछले जन्मों का रिश्ता है. मैं कहा देखिए मैं तो पिछले 3 जन्मों से ब्रह्मचारी हूं, तो मेरा कोई रिश्ता होना चाहिए. कहा लेकिन ये हो सकता है कि पिछले जन्म में आप मेरी माँ रही हो और मैं आपका बच्चा रहा हूँ, ये बिल्कुल कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि चाहे ब्रह्मचारी का घर से देखो माँ तो सबकी होती है. मैंने कहा और ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति पिछले जेंडर में था उस सेम जेंडर कैरी होल्ड हो सकता है, मेरे पापा रहे हो, आपकी बेटी रहा हूँ, ये भी हो सकता है. तो जन्मों का रिश्ता हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. उसके बाद जो उसका मूड बहुत ऑफ हो गया, उसके बाद उसने दोबारा हमें स्कूल में इन्वाइट ही नहीं किया. ऐसा हमारे साथ हुआ द्वारका में, मेरे पास एक माता जी आई अपने बच्चे को लेकर के, उनका अन्नप्राशन कराना था बच्चे का. कहते प्रभु जी आप इसका अन्नप्राशन कर दीजिए, इसका इसको अन्न खिलाइए. मैंने क्यों, आप नहीं चाहते शरीफ आदमी निकले आगे जा करके और इसकी हरिनाम में रुचि हो इसकी, आप नहीं चाहती ऐसा. कहते नहीं नहीं आप कोई बात नहीं, वो हम देख लेंगे, आप इसको अन्नप्राशन कराइए इसको. अगर ठीक है, मैंने कहा हमको देखिए डिस्क्लेमर देना चाहिए, बाकी आगे जाके बच्चा बिगड़ गया तुम कहे देखो ये अन्नप्राशन अमोघ लीला प्रभु से कराया था, सत्यानाशी हो गया बच्चा हमारा. हमने कहा पहले डिस्क्लेमर दे दो तो अच्छा है. ठीक है माता जी ने रिस्क ले लिया तो ले लिया, अब क्या कर सकते हैं. तो मैंने कह दिया नहीं नहीं ये वैसे शरीफ ही निकलेगा ये. मैंने कहा अच्छा आपको इतना आत्मविश्वास कैसे कि ये शरीफ ही निकलेगा. कहते क्योंकि ये इसके दादाजी ही हैं जो फिर से आ गए हैं. अच्छा दादाजी ही हैं. मैंने कहा ये आपको ये इतना आत्मविश्वास कैसे कि ये दादाजी ही हैं ये. कहते इसके भी चेहरे पर मस्सा है. अच्छा तो बच्चा जो था उसके यहाँ पर टोडी पे यहाँ किनारे उसका मस्सा था. मैं कहता उनके भी यहाँ पर ऐसे मस्सा था. कहते नहीं उनके यहाँ मस्सा था. मैं कहता इसके दादाजी का जो है यहाँ मस्सा था और इसका यहाँ मस्सा है, तो फिर ये कैसे कनेक्शन हुआ. कहते उनको मरे हुए 6 साल हो गए तो मस्सा सिरक करके नीचे आ गया. वाह ये तो भाई अद्भुत बात, 6 साल में मस्सा सरक करके नीचे आ गया. मतलब 15-20 साल का होता तो मस्सा फिर कमर पे आ गया होता, 50 साल और मस्सा पेट से निकल गया होता कि ये देखो बच्चा निकला मस्सा अलग निकला है शरीर से पास हुआ होता. माय गॉड अद्भुत लॉजिक. मतलब लॉजिक भी खड़ा हो जाए तो कुतुब मीनार से सर के बल कूद के आत्महत्या कर ले. क्या बात है, ये दादाजी ही है. क्या कनेक्शन, मस्सा कनेक्शन, बहुत अद्भुत. तो इस तरह से लोग बनाते हैं, कोई ना कोई लॉजिक जो है बनाना है, ये इनकी इन प्रकार कुछ मिल जाना चाहिए बस, उसके बाद देन देयर इज लॉजिक. जैसे एक बार एक व्यक्ति था, उसने कॉकरोच दिया, कॉकरोच चल रहा था, उसने कॉकरोच पकड़ा, उसकी ना 2 टांगे ब्लेड से काट दी उसने. तो कॉकरोच धीरे धीरे चल रहा था, कहता हाँ चल चल और चल और चल, तो धीरे धीरे चल रहा था वो. उसको फिर पकड़ा, उसकी 2 टांगे ब्लेड से और काट दी उसने. अब ये रगड़ रगड़ करके और धीरे धीरे चल रहा, कहता हाँ चल ना चल और चल और चल चल चल, तो धीरे धीरे चल रहा था वो. अब उसकी जो बची हुई 2 टांगे थी वो पकड़ करके उसने वो भी ब्लेड से काट दी. अब उसकी टांग बची नहीं, बोलते चल 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 करेगा. तो निष्कर्ष ये निकलता है जब कॉकरोच की 6 टांग कट जाती है तो बहरा हो जाता है. लॉजिक. जैसे मान लो कौवा हो, कौवा देख रहा हो कोकोनट ट्री हो और वहां से कोकोनट गिर जाए. हाँ कौवे के देखने से कोकोनट गिरता है, तो लॉजिक. सर आप भी देख रहे हो तो भी गिरता हो तो फिर मतलब कनेक्शन, तो इसलिए मस्सा कनेक्शन. अरे जिस तरह से लोग जन्मों जन्मों का कनेक्शन बना लेते हैं. जैसे एक पत्नी थी, उसका पति बहुत बीमार था, बहुत बीमार था, और उसने कहा मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते, हमारा 7 जन्मों का रिश्ता है, आप ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते. उसने कहा अरे बहन 7वां जन्म ही था ये, हो गया जन्मों जन्मों का रिश्ता है, हो गया जी, अरे बस 7 जन्म हो गया, तब तक अब तो बहन है हमारी. पर यस पीपल मेक सच काइंड ऑफ कनेक्शंस कि हमारा जन्मों का रिश्ता है, पुनर्जन्म का रिश्ता, पूरा पिछले जन्म का रिश्ता, ये रिश्ता वो रिश्ता, ओ माय गॉड. तो ऑलरेडी लोगों में ऐसे कनेक्शन की भावना, और ऊपर से अगर बॉलीवुड अगर उस पर ठप्पा लगा दे
फिर तो बस मूवी आ गई कर्ज मूवी आ गई, उसमें किरण कुमार को सिमी ग्रेवाल ने मार दिया, वो ऋषि कपूर बन के आ गया, उससे बदला लेकर उसने उसको मार दिया। अब तो भाई कंफर्म हो गया बंदा जन्म लेके फिर वापस आता है। अब तो बॉलीवुड आचार्य ने थप्पड़ लगाया सबके गुरुदेव, उनका नाम बॉलीवुड आचार्य, अब तो जी कंफर्म हो गया जी। सो पीपल मेक दिस काइंड ऑफ कनेक्शंस की ना पिछले जन्म का रिश्ता है, दादाजी फिर से आ गए, नाना जी फिर से आ गए, नाना जी को और कोई काम तो है नहीं, फिर वो आ ही गए, वो क्या करें, वो उनकी बड़ी इच्छा थी। पर कभी कभी ऐसा होता भी है, लेकिन कैसे हुआ ये नहीं पता। जब प्रभुपाद जी के समय में ऐसा था कि श्री प्रभुपाद जी भक्तों के साथ वॉक कर रहे थे, और वॉक करते हुए उन्होंने एक पेड़ को देखा, पेड़ ना ऐसे घूम करके एक खिड़की की ओर मुड़ा हुआ था। तो भक्तों ने बोला श्री प्रभुपाद, कहा श्री प्रभुपाद ये पेड़ देखिए कितना क्रिएटिवली उगा है ऐसे करके। तो भक्तों को लगा शायद श्री प्रभुपाद जी कहेंगे देखो तुम्हारी क्या नजर है, तुम्हारी क्या दृष्टि है। वाह, श्री प्रभुपाद ने कहा एक्चुअली ना ये पिछले जन्म में इस घर का मालिक था, इस घर से बहुत अटैच था ये, और हमेशा दिखता रहता है घर वालों को छोना जाए, घर वालों को छोना जाए, उनको छोना जाए, उनको कुछ होना जाए, लेकिन काम तो उसे खराब थे। तो योनि मिली उसको पेड़ की, लेकिन घर के बाहर मिले था कि अभी भी पेड़ के रूप में घर से घर के अंदर झांक रहा है, सब ठीक है नहीं है। तो बेसिकली पिछले जन्म में इस घर का मालिक, तभी इसलिए ये इस तरह से अंदर की ओर झांक रहा है। ये व्यू जो है ना श्री प्रभुपाद जी का, ये बस दैट्स इट।